फ्रेंड्स, हमारे गांव में हमारे भूमिया देवता की पूजा है और उसी के लिए सभी लोग इकट्ठे हो रखे हैं गांव में। गांव में काफ़ी चहल पहल का माहौल बना हुआ है। एक बारी के लोग मैरिज वगैरह इग्नोर कर दें, लेकिन ये जो पूजा होती है इसको कोई इग्नोर नहीं करता। गांव में पूजा है तो सब लोगों के लिए एक ही जगह खाने का अरेंजमेंट कर रखा है, तो हम सभी लोग वहीं जा रहे हैं। लोग तो काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए जगह जगह रुक रुकते हुए मिलते हुए जा रहे हैं सबसे। पूरी भी है क्या? तो रात का डिनर का भी अरेंजमेंट यहीं पे है सब लोगों के लिए। तो सभी लोगों ने अपना डिनर वगैरह फिनिश कर लिया है और अब यहाँ से सभी लोग इकट्ठा होकर भूमिया देवता की पूजा के लिए जाएंगे। और अभी रात के 10 बज रहे हैं और रात भर वहाँ पे पूजा चलेगी। तो इस तरीके से गांव में हमने लाइट्स वगैरह लगा रखी है पेड़ों पे, क्योंकि जो मंदिर है भूमिया देवता का वो गांव से कम आधा किलोमीटर दूर है। पूरा का पूरा जंगल का एरिया है यहाँ पे, ये सिर्फ लाइट्स की वजह से थोड़ा बहुत दिख रहा है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे काफी अंधेरा रहता है। ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। वही रात के इस टाइम 11 बज रहे हैं और सभी लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, ये देखिए, और सभी इंतजार कर रहे हैं पूजा करने का। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भूमि देवता है इसका मतलब है कि भूमि के देवता, और अब उनकी जो पूजा शुरू हो चुकी है। तो रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग अब घर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूजा कंटिन्यू वहाँ पे चल रही है, तो क्योंकि सुबह मॉर्निंग में भी यात्रा वगैरह फिर निकलेगी 4 बजे के बाद, तो उसको फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो फ्रेंड्स, रात भर हमारे जो भूमि देवता है यानी भूमि के देवता, उनकी रात भर पूजा चलती रही और अब सुबह के 7 बज रहे हैं। और हमारा जो गांव है वो दो नामों से मिलकर बना है, नाई और मांदल्या। नाई और मांदल्या को मिलकर यहाँ पे एक ग्राम सभा बनी हुई है। तो जो यात्रा है भूमि देवता की, वो अभी नाई से चलकर और अभी मांदल्या गाँव पहुँची है, और यहाँ से पूरा राउंड करते हुए वापस नाई होते हुए और जो भूमि देवता का मंदिर है वहाँ जाएगी। यात्रा करके सभी लोग वापस आ रहे हैं गांव की तरफ। ये भी जो लाल झंडा वो आगे आगे चल रहा है, और जो सफेद झंडा है वो सबसे एंड में आता है, लास्ट में एकदम। तो ये है कल रात वाला रास्ता जिस पे हम मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। रात को तो सही चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही थी,
लेकिन इस टाइम हर चीज़ क्लियर दिख रही है। ये देखिए पूरा जंगल का एरिया है, क्योंकि मंदिर में इस टाइम काफ़ी रश है, तो कुछ लोग अपना मत्था टेक के और भेंट चढ़ा के वापस आ रहे हैं, और हम लोग भी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। भाई इसका काम 10 बजे खुलता है कि 10 बजे होता है साढ़े इसी का तक का अब तो काम मिलने का तो वही टाइम बस ही कराएंगे बस कराएंगे अब तो नहीं नहीं आज तो नहीं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने भूम्या देवता के मंदिर में, और काफ़ी लंबी लाइन लग रही है यहाँ पे भेंट चढ़ाने के लिए, और लोग यहाँ पे आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए दुकानें वगैरह लगा रखी हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे किसी की सेल हो या ना हो, पर आइसक्रीम वाले की जबरदस्त सेल है। तो साथ में चाची जी बैठी हैं हमारी, और ये तो अपना भेंट चढ़ा के आ चुकी हैं। अब नीचे थोड़ा थोड़ा रस कम हो रहा है, तो अब हम दोनों भाई भी जाएंगे नीचे और भेंट चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारे भूम्या देवता थे उनकी पूजा पूरी हो चुकी है, और उनकी पूजा के साथ साथ मैं अपने इस ब्लॉग को भी यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।